ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में इसको बताया था कि आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं जाकर के ऐसा ना हो कि इसमें बीच में कहीं पे टेंशन जीरो हो जाए, है ना। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर वेलोसिटी जीरो ना हो, है ना। अब देखो अगर टेंशन और वेलोसिटी दोनों की ही अगर बात करें तो सबसे कम कहां पे होंगे, एट विच पोजीशन टेंशन एंड वेलोसिटी विल बी मिनिमम? सर टॉप मोस्ट पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, है ना। तो हम क्या कर दें कि ये जो इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पे टेंशन की वैल्यू लिखें और वेलोसिटी की वैल्यू लिखें, दोनों को ग्रेटर देन जीरो कर दें। मान लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v टॉप, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, v टॉप। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे और क्या फोर्स लग रहा होगा, टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम इक्वेशन क्या लिख देंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, p प्लस mg इज इक्वल टू एम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई एल, ऐसा लिख देंगे। ये जो इक्वेशन बेसिकली हमने लिखी है बच्चों, ये इक्वेशन क्या लिखी है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब टेंशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स सेंटर की तरफ ही, और कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा, तो हम क्या लिख देंगे, p प्लस mg इज इक्वल टू m, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, तो m इंटू वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्क्वायर बाय l। तो यानी कि टेंशन की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्क्वायर बाय l माइनस m, ये वैल्यू टेंशन की आ जाएगी, है ना। अच्छा अगर मैं टेंशन को ग्रेटर देन जीरो एंश्योर कर दूं तो क्या वेलोसिटी अपने आप ग्रेटर देन जीरो हो ही जाए, बिना वेलोसिटी के ग्रेटर देन जीरो हुए क्या टेंशन जीरो हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऑल हैव टू एंश्योर अस दैट टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, m इंटू वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्क्वायर बाई l मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m कैंसिल होता है, तो वेलोसिटी एट टॉप मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी एल, ये ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी। अब ये यहां की वेलोसिटी ना टॉप मोस्ट पॉइंट की, ध्यान दो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर थोड़ी सी वेलोसिटी से पहुंच जाए तो काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। इतनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए, कितनी, रूट जी एल के बराबर होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा अगर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर रूट जी एल है तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, ये पता लगा सकते हैं, लोएस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या इक्वेशन लगा दें, लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट वो कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, है
है ना, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो मान लेते, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट का स्क्वायर, है ना। और अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, Mg2L. Mg2L होगी, तो प्लस Mg2L ऐसा, तो क्या है ये M से M से M कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा U स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर प्लस 4GL. अब वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर क्या होगा, GL, तो U स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी GL प्लस 4G, यानी कि U की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5G. लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, अंडर रूट 5GL के बराबर होनी चाहिए, तभी ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए. है ना, ये हमें एक रिजल्ट के रूप में याद रखना है. क्या यू मिनिमम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल इज रूट 5GL. यू मिनिमम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल इज अंडर रूट 5G. टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन लीस्ट क्यों है बेटे, वेलोसिटी का तो सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वहीं पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगी. इस पूरे सर्कल में बताओ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है सबसे ज्यादा, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, इसका मतलब स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे कम. अच्छा, टेंशन सबसे कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्यों होगी, क्योंकि देखो बाकी जो पोजीशंस हैं जैसे बीच की कोई पोजीशन अगर मैं, तो इस पोजीशन पर तो क्या है mg का एक कंपोनेंट ही सिर्फ टेंशन को कम करने की कोशिश कर, है ना, जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो क्या है पूरा का पूरा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग के टेंशन कम कर, रस्सी को स्लैक करने की कोशिश कर रहा है, और रस्सी को स्लैक करने की कोशिश करेगा तो टेंशन डिक्रीज ही होगी, रस्सी को स्लैक करने की कोशिश करेगा तो टेंशन डिक्रीज ही, है ना, तो ये बात है. तो इसलिए क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन भी मिनिमम है और वेलोसिटी भी मिनिमम है. अब मैंने एक तरीके से क्या किया, टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन को ग्रेटर देन जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या है बाकी सब जगह पे तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगी, मिनिमम वैल्यू को ही आपने ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो बाकी जगह पर तो टेंशन जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी. इज इट क्लियर, ओके रब करें इसको. यस सर. Yes. अच्छा, अगर रूट 5GL से ज्यादा वेलोसिटी पार्टिकल को दे दें तो क्या होगा बच्चे, फिर तो भी फुल सर्कल, अब भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा. यस सर. है ना, यस सर, ज्यादा पे भी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा. तो जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास का पार्टिकल है, और हमने क्या किया
इसको लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे दी कितनी, अंडर रूट 6gl. लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या दे दी, अंडर रूट 6g. तो मुझे क्या क्या पता करना है, मान लो ये पोजीशन है ए, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो पोजीशन है बी, और जब रस्सी वर्टिकल हो जाती है तो पोजीशन हो जाती है सी, है ना. तो हमें क्या पता करना है, फाइंड वेलोसिटीज एट ए बी एंड सी. और दूसरा टेंशन एट ए बी एंड. फाइंड वेलोसिटीज एट ए बी एंड सी एंड टेंशन एट ए बी एंड. सर आपने रूट 6gl क्या दिया है, रूट 6gl लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी. अच्छा ए बी लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट की ना. तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी तो पता ही है बेसिकली, यस. बी और सी की वेलोसिटी पता लगानी है और ए बी और सी पे टेंशन पता. तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंशन एट ए पता कर, वो कैसे पता करें. देखो ए पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. टेंशन एट ए अपवर्ड डायरेक्शन और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. और ए पॉइंट पे इक्वेशन लगा दें, नेट फोर्स एट नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. है ना, नेट फोर्स क्या है, टेंशन एट ए माइनस एम जी m into velocity at a का square by l. तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेवन mg आ रहा है. सेवन mg आएगा, बिल्कुल सही बात. टेंशन एट ए कितना है बच्चों, 7 mg. यस सर, है ना. अब बी पॉइंट की बात करते हैं. बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है बी बी. बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है बी. तो पहले तो ये वेलोसिटी को पता कर लेते हैं कितनी हो जाती है. हम क्या करें, ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो क्या होगा बच्चों,
ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहीं पे भी मान सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। ए पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर दैट इज 6gL। बी पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या mgL लिख सकते हैं? ए और बी पॉइंट की हाइट क्या है ए के रेस्पेक्ट में, क्या एल है? यस सर। यस सर। बी की हाइट जो है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है, तो क्या हो जाएगा ये mgL प्लस बी की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, यहां से एम 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 कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाएगा थ्री जी एल माइनस जी एल इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर बाई टू। तो थ्री जी एल माइनस जी एल कितना हो जाएगा 2GL is equal to velocity at b का square by 2, यानी velocity at b की क्या वैल्यू है? velocity 2√GL आ रहा है, नहीं √4GL आ रहा। हाँ सर, मतलब वही ना, 2√GL। हाँ 2√GL बिल्कुल सही। अच्छा ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दूं अब? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए बी पॉइंट पर टेंशन कैसे पता लगाएं? बी पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? टेंशन तो लग रहा है सेंटर की तरफ और एमजी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं तो बी पॉइंट पर क्या इक्वेशन लिखूंगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अप्लाई दिस इक्वेशन एट द पोजीशन बी, पोजीशन पर ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्या वो टी के बराबर लग रहा है? यस सर। इक्वल टू पार्टिकल का मास एमवी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा? जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इज एल। तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा बेटे? m by l into velocity at b ka square that is 4gl, l se l cancel hota hai to kya ye tension at b 4mg ke barabar aa jata hai? Yes sir. Ha sir. Tension at b kitna aa gaya 4mg. Yes sir. ये पार्ट ड्रॉप कर दूं? यस सर। सर सी पे वेलोसिटी और टेंशन निकालने के ये यूज कर सकते हैं सेम? हाँ सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे वेलोसिटी आ जाएगी और फिर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन से टेंशन एट सी आ जाए। आप लोग ट्राई करो सर। वेलोसिटी √2gL और टेंशन mg। यस सर, वही आया। करेक्ट। सब लोग ट्राई कीजिए अभी।
ए से सी तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, यस सर, ए से सी तक। तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कितना 6gL इक्वल टू सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आ जाएगी mg2L। और सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता करनी है, तो हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3mgL माइनस 2mgL यानी के mgL इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट सी कितना आ जाता है, अंडर रूट 2gL। कई बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। फिर उसके बाद टेंशन एट सी की बात है, तो सी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एमजी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, टी प्लस एमजी इज इक्वल टू एम इनटू वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर बाय एल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी प्लस एमजी इज इक्वल टू एम बाय एल इनटू वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, दैट इज 2gL। एल से एल कैंसिल हो गया, तो टेंशन की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, एम जी के टेंशन एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू एम जी। Yes, है ना? अच्छा देखो आप, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि रस्सी बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो गई है, बट स्टिल देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अभी भी खींची हुई है। ऐसा क्यों है, डिस्पाइट डिस्पाइट एमजी जो है वो ब्लॉक को नीचे पुश कर रहा है, उसके बाद भी रस्सी टॉट है। ऐसा क्यों, बिकॉज सी पॉइंट पर इतनी हाई वेलोसिटी पार्टिकल की है ना, तो वेलोसिटी के हिसाब से तो क्या है, पार्टिकल की टेंडेंसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो ज्यादा बड़े रेडियस की ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है, समझ रहे हैं, एल रेडियस से ज्यादा बड़े रेडियस में जाने की उसकी टेंडेंसी है, बट टेंशन विल नॉट अलाउ दैट, तो इसलिए टेंशन क्या है, टॉट रह करके उसको एल रेडियस में ही घुमा रही है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. देखो मान लो ऐसा आप इमेजिन करो कि अगर मान लो टेंशन नहीं होता है ना, लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन के जैसे ही पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा वैसे ही मैंने क्या किया, रस्सी को कट कर दिया। जैसे पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा रस्सी को कट कर दिया हम, तो इसका मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है रूट टू जी एल और टेंशन जीरो हो गया, इसका मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी के बराबर है। क्या इस एक्सेलरेशन को मैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूँ, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब अब जो इसका आगे पाथ होने वाला है, एक बात तो हमें ये पता है कि क्या ये पाथ पैराबोलिक होने वाला है, yes, sir. ये अगर रस्सी को कट कर दे तो इसका yes, आगे sir. का पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट होता वैसा पाथ इसका होने वाला है। उस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाली है, यू स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो देखो 2gL बाई g किसके बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाली है उसकी, 2L के बराबर है ना। लेकिन ये तो तब है जबकि रस्सी से काट देते, अभी तो रस्सी बंधी हुई है ना,
अभी तो रस्सी से बंधी हुई है, तो फिर क्या होगा? क्या रस्सी उसको दूर जाने देगी? रस्सी का नेचर कैसा होता है कि वो अपनी लेंथ में चेंज नहीं होने देता। पार्टिकल की अगर दूर जाने की टेंडेंसी है तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर, मतलब उसको पुल कर सकता है ना। हाँ, अगर मान लो क्या हो जाता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो रूट जीएल से कम हो जाती। क्या हो जाती? रूट जीएल से कम हो जाती, मतलब मान लो के इतनी हो जाती, रूट थ्री जीएल या रूट अंडर रूट ऑफ 0.9 जीएल हो जाती है ना, या 0.9 रूट जीएल होती है। ऐसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती कहां पे? टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना। तो क्या होता, इन द एब्सेंस ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, टेंशन फोर्स के बिना क्या सिचुएशन होती? वेलोसिटी इतनी है और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाती? वेलोसिटी का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो 0.81 जी एल बाई जी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रह जाती? 0.81 एल, मतलब एल से भी कम रेडियस में जाने की इसकी टेंडेंसी हो जाती। अगर एल से कम जाने, कम रेडियस में जाने की इसकी टेंडेंसी, मतलब पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू फॉल इनवर्ड, इनवर्ड आने की टेंडेंसी, तो क्या इनवर्ड आने की टेंडेंसी को रस्सी रोक सकता है क्या, पुश करके? कैन स्ट्रिंग पुश द बॉब एंड स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग लाइक द, वो ऐसे मूव करने से रोक नहीं पाता, नहीं सकता, ऐसे मूव करने से वो रोक नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा वेलोसिटी हो तो चलेगा, कम वेलोसिटी हो तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी हो तो रस्सी टॉट रह करके उसको सर्कल में ही मूव करवाएगी, लेकिन अगर वेलोसिटी कम पड़ गई तो क्या होगा, रस्सी स्लैक कर जाएगी, पार्टिकल अंदर गिर जाएगा। समझ में आती है बात, है ना। तो देखो यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन को अपन ऐसे समराइज कर देते हैं, दो तीन बातें याद करने की है जो कि आप लिख सकते हो। तो फॉर अ पार्टिकल, taught to a massless inextensible string, if velocity at lowest point is greater than root 5 gl, तो क्या होगा, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा। अगर ऐसा हुआ बच्चों के वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पे है वो रूट 5 जीएल से कम है, लेकिन रूट 2 जीएल से ज्यादा, और एक तीसरा केस होता है क्या, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज
lies between sir wo TAUT kya hai हाँ बेटे वो पार्टिकल के नीचे TAUT टॉट टॉट सेकंड लाइन में इसको टाइड लिख टाइड टू ए मासलेस इनएक्सटेंसिव स्ट्रिंग अगर वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन जो है वो जीरो से लेकर के रूट टू जी एल के बीच में है तो पार्टिकल का पाथ कैसा देखो ये रूट टू जी एल का क्या सिग्निफिकेंस है देखो रूट टू जी एल जो है ये वो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट की जो कि मैं पार्टिकल को दूं तो क्या होगा रस्सी ठीक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचेगी और तब जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी रूट टू जीएल क्या है वो वेलोसिटी है जो कि लोएस्ट पोजीशन पे आप पार्टिकल को दो तो कि क्या होगा जैसे ही रस्सी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचेगी पार्टिकल की वेलोसिटी विल बिकम जीरो क्यों देख सकते हो आप मतलब यहां पे मान लो वेलोसिटी यू है हमें यू की वैल्यू पता करनी है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो कैसे पता करेंगे यहां से वहां तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो है ना कैसे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे भाई हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां दी थी वो वहां जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो यू की क्या वैल्यू आ जानी चाहिए रूट टू जी एल आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए यस सर तो ये रूट टू जीएल का क्या सिग्निफिकेंस है कि लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं के हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रस्सी पहुंच जाए अगर मैंने वेलोसिटी इन दोनों के बीच में दी है पार्टिकल या बराबर भी दे दी तो क्या होगा रूट टू जीएल से कम अगर दोगे तो क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रस्सी पहुंच पाएगी क्या नहीं no, पहुंच sir. पाएगी सर मतलब बीच में ही किसी पोजीशन पे जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ कहीं पे ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अगर yes. आपने रूट टू जीएल से कम वेलोसिटी दी तो लोएस्ट पॉइंट और अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसके बाद क्या होगा बीच में ही अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसके बाद क्या होगा फिर वो वापस से वापस अपने वापस जाएगा इनिशियल पोजीशन वापस नीचे आ जाएगा फिर पीछे जाएगा फिर पोजीशन पे पीछे भी चला जाएगा फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर क्या वो ऑसिलेट होता रहेगा क्या यस सर यस सर है ना तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो और रूट टू जीएल के बीच में है तो क्या होगा पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अच्छा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बीच में रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा नहीं देखो ऐसा हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है इसको अलग से देखेंगे अपन है ना सर लेकिन वो रेडियस के अलोंग नहीं आएगा वो ऐसे फ्री फॉल में गिर जाएगा सर वो ऊपर जाएगा आधे डिस्टेंस पे सो सर्कुलर पाथ फिर नहीं करेगा नॉर्मली ऐसे गिर जाएगा ऐसे गिर जाएगा मतलब देखो पता है कैसा होगा उसका पास स्ट्रिंग में स्लैक आ जाए हाँ मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो नहीं हो पाएगी उसके पहले ही टेंशन स्लैक हो जाएगी यस सर मतलब हाईएस्ट पॉइंट आने से पहले होगा ना सर हाँ हाईएस्ट पॉइंट आने से पहले ऐसा हो जाएगा मतलब क्या सर, होगा वो लूप हो जाएगा मतलब देखो ऐसा ऐसा होगा आपने ये वेलोसिटी दी बिटवीन रूट टू जी एल टू रूट फाइव जी एल
तो क्या होगा, ये ऐसे इस पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, ये जो रस्सी है ये रस्सी फ्लैट कर जाएगी, लूज, टेंशन विल बिकम जीरो। और उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो हियर, पैराबोलिक मोशन, पाथ फॉलो करें। उसके बाद इसका पाथ कैसा हो जाएगा बच्चों, पैराबोलिक पाथ, ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी। है ना, तो इस वाले केस में अपन क्या कहेंगे, मोशन विल बी पार्टली सर्कुलर, And partly parabolic. Motion will be partly circular and partly parabolic. कुछ समय तक तो वो exactly circular arc पे ही move करेगा, distance l l l ही रहेगी, उसके बाद क्या होगा, एक बार tension zero हुई फिर वो ऐसे नीचे गिर जाए, है ना। किस पॉइंट पे उसका मोशन सर्कुलर होना बंद हो जाएगा, एट व्हाट पोजीशन इट्स मोशन विल सीज टू बिकम सर्कुलर, सर जब टेंशन जीरो हो जाएगा, जब टेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक उस इंस्टेंट पे जबकि टेंशन जीरो हो जाए, है ना। आपको कोई वेलोसिटी दे दी जाए, जैसे यहां पर रैंडमली वेलोसिटी दे दी जाए, रूट थ्री जी एल वेलोसिटी दे दी या रूट फोर जी एल वेलोसिटी दे दी, और फिर पूछ रहे हैं कि बताओ किस पोजीशन पे जाकर के ये सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, तो हमें वो पोजीशन पता करनी होगी जहां पे टेंशन क्या हो जाती है, जीरो। देखो जैसे सवाल करते हैं अपन, तो नीचे आने के टाइम पे वो वापस ऑसिलेशन नहीं करेगा, हाँ फिर वो नीचे आने के बाद देखो जब रस्सी में अचानक से स्नैप, रस्सी स्नैप करेगी, है ना, तो फिर वो स्नैप करने के बाद एक इम्पल्सिव फोर्स उस पे लगेगा, है ना, झटके से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो झटके से वेलोसिटी चेंज होने के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी बची है, वो वेलोसिटी ऑफ कोर्स पुरानी वाली वेलोसिटी से तो कम ही होगी, लेकिन क्या इतनी कम होगी कि वो मतलब अब ऑसिलेट ही करने लग जाएगा या क्या होगा, वो एक आगे की कहानी है ना, वो एक अलग बात है, उसको अलग तरीकों से कैलकुलेट करेंगे अपन जब अपन आगे इम्पल्स वगैरह के कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो अपन उस चीज को भी टैकल कर पाएंगे। अभी देखो, अभी अपन ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, क्या के पार्टिकल एल लेंथ की मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ और पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दिया कितना, अंडर रूट फोर जी एल वेलोसिटी दे दी, है ना, तो हमें पता करना है एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल या एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पार्टिकल्स पाथ At what angle with the horizontal particle's path becomes parabolic?
अच्छा बच्चों बोर्ड दिख रहा है ना अभी, लाइट की कमी तो नहीं लग रही? नो सर, नो सर दिख रहा है। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते? क्वेश्चन क्या है बेटे? हमने पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट पे रूट फोर जी एल वेलोसिटी दी, हमें पता करना है एट वॉट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजिशन, एट वॉट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजिशन द पार्टिकल्स पाथ, at what position from the at what angle from the horizontal position the particle's path becomes parabolic. तो देखिए बच्चों क्या होगा, किस पोजीशन पे पाथ सर्कुलर होना बंद हो जाता है? टेंशन इज इक्वल टू जीरो, पोजीशन पे जहां पे टेंशन जीरो हो जाए, है ना। अच्छा यहां पर वेलोसिटी क्या होगी इस वाले पोजीशन पर? रूट फोर जी एल होगी या उससे कम होगी? उससे कम, उससे कम, उससे कम। रूट फोर जी एल से तो ऑफकोर्स कम होगी, है ना। मान लेते हैं कितनी है, V है ना। तो हमारे पास दो अननोन है, कौन कौन सा? एक तो ये वेलोसिटी V और ये एंगल थीटा, है ना। अच्छा दो इक्वेशन बना देंगे अपन, कौन कौन सी? एक तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी कंजर्वेशन एनर्जी, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो पहले इक्वेशन बना देते हैं ये वाली, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा, mg लग रहा है नीचे, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो mg का इधर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? mg साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो m V square by L. तो इसका मतलब V square की क्या वैल्यू आ गई? GL sin, है ना। तो V और थीटा में एक रिलेशन आ गया अपने पास। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या बना है? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो मैं लिखता हूं एम जी क्या, ऐसा लिख दूं क्या? यस सर। इस पोजीशन की हाइट क्या है?
यहां से लेकर इधर तक एल और ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो ये वाला एल साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। ये पूरी हाइट क्या हो गई, एल प्लस एल प्लस एल साइन थीटा। और वहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम 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 कैंसिल हो जाएगा, इधर टू जी एल, टू से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4GL इक्वल टू सर GL। हाँ सर, थीटा 30 है शायद, देखो पुट कर देते हैं। V स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन वन से ला करके इक्वेशन टू में पुट कर दो आप, तो GL साइन थीटा बाई टू हो जाए, 4GL माइनस GL कितना हो जाएगा, 3GL इक्वल टू 3GL साइन थीटा बाई टू। सर टू से मल्टीप्लाई किया तो फिर राइट हैंड साइड में नहीं किया, इसको टू, इसको टू। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, सर 3/2/3 या थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3 है ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 एंगल पे क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, एंड नाउ ऑनवर्ड्स इट्स पाथ विल बिकम ठीक है। ये मेथड सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा अब देखो इसमें अगला केस जो होता है वो क्या होता है, के पार्टिकल एक लाइट स्ट्रिंग से नहीं बंधा हुआ बल्कि एक लाइट रॉड से बंधा हुआ, पार्टिकल इज टाइड टू अ लाइट रॉड, हमें पता करना है फाइंड यू मिनिमम सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल।
यस करेक्ट, अभी किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में आंसर बताया, सही बताया। यस यस करेक्ट। देखो बच्चों इसमें एक बात बताओ मेरे को, क्या यू की किसी भी वैल्यू के लिए पार्टिकल का इस केस में पाथ पैराबोलिक हो पाएगा? नो सर। नो सर। नो सर, टेंशन जीरो नहीं होगा कभी भी। नहीं, टेंशन तो जीरो हो सकता है लेकिन टेंशन जीरो होने के बाद की कहानी अलग हो जाएगी। यस, even if the tension becomes zero at some position but particle has certain velocity, so us case mein kya hoga? Parabolic path ho jayega. Us nahi nahi, parabolic path mein kaise jayega? Kya ye rod slack ho sakti hai bachcha? No sir, wahi same path follow karega. Wo kya hoga? Aage hi jata jayega. Yes sir. Kyon? देखो ध्यान दो, हमने एक बात समझाया था ना कि टेंशन जीरो होने के बाद क्या दिक्कत आती है। टेंशन जीरो होने के बाद क्या दिक्कत आती है? पार्टिकल की टेंडेंसी ऐसे अंदर गिरने की हो जाती है। पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू फॉल इनवर्ड एंड द स्प्रिंग वाज नॉट केपेबल टू स्टॉप द पार्टिकल फ्रॉम फॉलिंग इनवर्ड। ऐसे पार्टिकल अंदर गिर जाए ऐसा होने से रोकने की कैपेबिलिटी रस्सी के पास नहीं थी, क्योंकि रस्सी पुश नहीं कर सकती। रस्सी तो सिर्फ क्या कर सकती है? पुल कर सकती है। तो इसकी यदि बाहर फ्लाई करने की टेंडेंसी है तो उसको रस्सी अंदर फोर्स लगा करके रोक सकती थी, लेकिन अगर इसकी टेंडेंसी अंदर गिरने की हो गई तो रस्सी नहीं रोक पाती थी। लेकिन क्या रॉड तो रोक देगी? क्या रॉड केपेबल है बाहर भी फोर्स लगाने के? बोले बच्चे। यस सर। मतलब कि क्या है, अगर इवन इफ टेंशन बिकम जीरो एट सर्टेन पोजीशन पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ। इसमें आप देखो, इसमें पार्टिकल के पास पैराबोलिक पाथ में जाने का ऑप्शन ही रॉड नहीं देगी। दो ही ऑप्शन मिलेंगे पार्टिकल को, या तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, या अगर कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो गई बीच में तो वहां से वापस आ जाए। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes. In this case, for any value of u, lowest velocity at lowest position, दो ही तरह के मोशन हो सकते हैं, या तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा या कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो गई और वहां से ये वापस आ जाएगा। या तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा या कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो गई वहां से वापस आ जाएगा, है ना। तो बस हमें इस केस में टेंशन के जीरो होने की टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? टेंशन के जीरो होने की टेंशन नहीं है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कहीं पे जीरो ना हो, है ना। और वेलोसिटी सबसे कम कहां पे होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो आपको इस केस में क्या करना है, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट को ग्रेटर देन जीरो कर देना है, है ना। अब टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो equal to half m velocity at top का square plus mg2l। so u square is equal to velocity at top का square plus 4gl, है ना। so velocity at top क्या होना चाहिए? greater than zero होना चाहिए। इसका मतलब u जो है u square वो 4gl से बड़ा होना चाहिए, यानी कि u जो है वो अंडर रूट
4GL से सर अगर इक्वल हो गया रूट फोर जी एल के तो वेलोसिटी एट टॉप जीरो हो जाएगी, तो वहीं पे बैलेंस हो जाएगा ना वो। हाँ मतलब परफेक्ट सिनेरियो में क्या होगा, वो ऐसा ऊपर जा करके उधर ही रुक जाएगा है ना, प्रोवाइडेड मतलब उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ठीक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर लाई कर रहा है ना, और तो वो उधर बैलेंस हो जाएगा, आइडियली ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखो लूपिंग द लूप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्या है देखो ऐसा, दिस इज अ लूप, ऐसा मतलब आप ड्रम जैसा इसको ट्रीट कर सकते हो, लाइक अ हॉलो सिलेंडर है ना, उसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और मैं ऐसे सामने से देख रहा हूं उसको, आर रेडियस का ये हॉलो सिलेंडर है, उसकी इनर सरफेस पे अंदर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो दिस इज अ लूप। अब हमें पता करना है कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसको दें सो दैट ये बिना गिरे सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे, ये स्मूथ लूप, स्मूथ वर्टिकल लूप। क्या होगा बच्चों, किसी का आंसर आया था, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ यू पता कर दी, यू मिनिमम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, यू मिनिमम क्या होना चाहिए कि ये बिना गिरे पूरा
लूप में मूव करता रहे। क्या यू मिनिमम रूट फाइव जी आर लिख सकता हूं बच्चों? है ना, देखो यहां पर भी क्या है कि ये जो इनर सरफेस है इसकी, वो इस पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ही सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगा सकती है। मतलब अगर कभी इसकी टेंडेंसी ऐसे बाहर फ्लाई होने की है तो इसको नॉर्मल लगा करके वो रोक सकती है, लेकिन अगर कभी उसकी टेंडेंसी ऐसा गिरने की हो गई तो ये सरफेस उस पर उसको अपने से चिपका नहीं पाएगी, है ना। इसकी टेंडेंसी ऐसे बाहर जाने की हो, खूब वेलोसिटी है इसके पास, तो उस वेलोसिटी की वजह से उसको बाहर नहीं जाने देगा, नॉर्मल अंदर की तरफ लगा करके उसको सर्कुलर लूप में ही मूव करवाएगा, है ना। तो इनवर्ड डायरेक्शन में तो जितना भी नॉर्मल चाहिए वो तैयार है, लगाने को तैयार, वो लगा देगा, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि उसके पास वेलोसिटी कम बची और एमजी का ये इनवर्ड कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा कि नॉर्मल उसको अंदर गिरने से रोक नहीं पाएगा। ठीक वैसा ही यहां पर कंस्ट्रेंट्स हैं जैसे कि लाइट स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रेंट, है ना। तो यहां पर भी अपने को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी कि हमेशा इसके पास इतनी वेलोसिटी रहे कि मतलब ये इनके बीच का नॉर्मल जीरो ना हो पाए, ब्लॉक सरफेस को पुश करता रहे और सरफेस ब्लॉक को पुश करती रहे, है ना। तो यहां पर भी अपन क्या कंडीशन लगाएंगे कि जो नॉर्मल है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हम अपन डायरेक्टली वही कर सकते हैं, सीधे सीधे अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां से, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी एल। इसका मतलब जो लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट फाइव जी, मतलब एल की जगह आर यूज कर लेते हैं, क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो गया कि ये इस तरह की एक फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल ट्यूब आपके सामने, इस ट्यूब में पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर, और ये पार्टिकल ऐसा है कि इट जस्ट फिट्स इनटू द, है ना, जस्ट ट्यूब के अंदर फिट होता है और स्मूथ ट्यूब है। क्या इसका आंसर रूट फोर जी आर आ जाना चाहिए क्या बच्चे? क्यों, देखो क्या ये वाली ट्यूब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है?
यस सर। देखो जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, जब इस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में क्या कर रहा होगा, ये बॉल सरफेस को बाहर पुश कर रही है या सरफेस इस पे नॉर्मल अंदर लगा रही है। और अगर इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये अंदर वाली सरफेस को अंदर पुश कर, यानी अंदर वाली सरफेस इस पर किधर फोर्स लगा रही होगी, बाहर फोर्स लगा रही होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रॉड के जैसा काम कर रहा है, मतलब इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स इन बोथ द डायरेक्शन। अगर इस बॉल की टेंडेंसी कभी बाहर जाने की हो रही होगी तो ट्यूब इस पे अंदर फोर्स लगा देगी, वो बाहर वाली सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा बॉल और वो बाहर वाली सरफेस इस पे अंदर फोर्स लगा देगी। अगर बॉल की टेंडेंसी कभी अंदर गिरने की हुई तो बॉल अंदर वाली सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, अंदर वाली सरफेस इस पे किधर फोर्स लगा देगी, बाहर फोर्स लगा देगी, है ना। बस एक ही केस में सर्कुलर पाथ इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा कि बीच में कहीं पर वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो फिर वहीं से ये वापस आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यू मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन रूट फोर जी आर। इक्वल्स टू भी हो सकता है, वही एग्जैक्ट इक्वल पे वही वाला केस होगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के रुक ही जाएगा। yes, अच्छा बच्चों तो अभी ब्रेक लें क्या, थोड़ी देर, थोड़ी देर का ब्रेक लेते yes, हैं, पानी वानी पी के चलो। ओके है ना, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मीटिंग तो स्टॉप कर देता हूँ, वे दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं करना। सर कितने बजे? 10 मिनट।